Next, exercise question number 3. On 1/4/2012, Harun Dodawala Industry has purchased machine for 2,75,000. मशीन कितने की परचेस की है? 2,75,000 की मशीन परचेस की है. The installation expense of this machine was ₹15,000. ये installation expense है जो हमें add करना है purchase के साथ, okay? And carriage was 10,000 और carriage भी 10,000 दिया है. हमने क्या सीखा है कि जब कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसके साथ उसके रिलेटेड हर एक्सपेंस को ऐड करेंगे, ओके? परचेज किया है, इंस्टॉल करने का, फैक्ट्री में लगाने का जो एक्सपेंस है, फैक्ट्री तक लाने का जो एक्सपेंस है, सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा, ओके? तो हम इनको ऐड करेंगे, परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस कैरियज, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलने वाला है, ओके? कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 8% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. 8% का डेप्रिसिएशन दिया है और डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड. मतलब हर साल 8% ही होगा. जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो हर साल सेम होगा. क्यों सेम होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओके? दिस मशीन वॉज सोल्ड एट 20% लॉस ऑफ द बुक वैल्यू ऑन 31/3/2015. ये मशीन को 20% लॉस के साथ बेच रहे हैं. कभी बेच रहे? 31/3/2015 को बेच रहे, मतलब पूरा ईयर है ना, पूरा यूज करके बेच रहे हैं. देखो लास्ट में बेच रहे, 31/3 हम लोग का एंड होता है, एंड ईयर है, ओके? ये तो मतलब लास्ट में बेच रहे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद बेचना है. पास जर्नल एंट्री फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स की जर्नल एंट्री पास करनी है और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 ईयर का, ओके? क्वेश्चन क्लियर हो गया. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में होगा तो वीडियो पॉज करके समझ लेना, ओके? तो हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज का और मशीन अकाउंट का. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर लिया है. सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं दिया है, ओके? क्या फाइंड करना है हमें? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा? कितने की मशीन परचेज की है, तो परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस कैरियज. परचेस करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस हुए तो उसको परचेस के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. परचेस है 2,75,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिलेगा 3 लाख. 2,75,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस मिलेगा 3 लाख, ओके? हमें बताया है डेप्रिसिएशन का रेट. डेप्रिसिएशन बोले है 8%, पर 8% मतलब कितना? तो डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, ओके? डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे 8%. जब स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना होता है, ओके? तो 3 लाख इंटू 8%, 8% कहाँ से मिला? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि डेप्रिसिएशन 8% होना चाहिए, ओके? तो 3 लाख इंटू 8% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 24,000 का डेप्रिसिएशन आएगा. यहाँ तक क्लियर है? और भी बोले हैं इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं कि ये जो मशीन है उसको 31/3/2015 को बेच रहे हैं, ओके? 20% लॉस के साथ बेच रहे हैं, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने में बेच रहे हैं, ओके? अभी हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन कैसे मिलेगी? तो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन. कितनी है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन,
मशीन कितने में परचेस की है? तो 3 लाख की मशीन है, उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 24,000 है। ओके, तो 3 साल यूज करने के बाद बेच रहे हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ओके, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, कितना आएगा डेप्रिसिएशन? देखो, 3 साल यूज करके बेच रहे हैं, हमें क्वेश्चन में बताया है 31/3/2015 को बेच रहे हैं, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 24,000 है, तो 3 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई करो, टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 72,000। ये डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो पता चलेगा बुक वैल्यू। ओके, डेप्रिसिएशन को माइनस करके क्या पता चलता है? बुक वैल्यू ऑफ मशीन, कौन से डेट की? 31/3/2015। 3 साल यूज किया है मतलब 31/3/2015 को माइनस करके कितना अमाउंट आएगा? 2,28,000। ये है बुक वैल्यू, इस पे 20% लॉस करके बेच रहे हैं, तो माइनस लॉस कितना? 20%, तो 2,28,000 इंटू 20% कितना आएगा? 45,600। इतना लॉस करके बेच रहे हैं, इतने की बुक वैल्यू है, इतना लॉस है मतलब माइनस करेंगे, प्रॉफिट होता तो ऐड करते। ओके, लॉस करे तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेच कितने में रहे? 1,82,400, इतना हमारी सेलिंग प्राइस है। मैं आपको वापस बता देती हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। ओके, हमें क्वेश्चन में बताया है कि मशीन को बेच रहे हैं 31/3/2015 को बेच रहे हैं, मतलब 3 साल यूज करके बेच रहे हैं। ओके, जब मशीन यूज होती है तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो बेचने से पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, उसके बाद उसको बेचना है। ओके, पहले तो हम लिखेंगे मशीन कितने की है, मशीन है 3 लाख की। ओके, डेप्रिसिएशन का प्राइस है 24,000, डेप्रिसिएशन है 24,000, ये जो 24,000 डेप्रिसिएशन है वो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है, हमने मशीन को 3 साल यूज किया है तो हमें 3 साल का फाइंड करना है, तो 3 साल का 24,000 इंटू 3, 3 साल का मिलेगा 72,000, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फिर जो वैल्यू बचेगी उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू मिल गई, अभी इस पे 20% लॉस किया है, मतलब 2,28,000 इनटू 20%, तो हमें ये वाला अमाउंट मिलेगा, इतना लॉस करके बेच रहे, इतने की बुक वैल्यू है, इतना लॉस मतलब इसको माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस है इतनी। ओके, हमने वर्किंग कर लिया है, अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मशीन परचेस की वो एंट्री आएगी, मशीन कब परचेस की है? 1/4/12 को मशीन परचेस किए है। ओके, मशीन परचेस किए मींस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है वो कैश से पे करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। ओके, देखो बैंक से कितना पे करेंगे, तो जितने में परचेस किए 2,75,000, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है। ओके, जो छोटे छोटे एक्सपेंस है वो कैश से पे किया है, मतलब 15,000 प्लस 10,000। ओके, जो बाकी के एक्सपेंसेस है उसको कैश से पे किया है, 15,000 प्लस 10,000 कितना होता है? 25,000। ओके, तो दोनों को ऐड करो, हमें पता चल जाएगा मशीन कितने में परचेस किए, 2,75,000 प्लस 25,000, 3 लाख की मशीन परचेस की है। ओके, हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना है, बीइंग मशीन इज परचेस एंड पेड इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, 1 साल के बाद करते हैं, तो 31/3/2013 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, कितना डेप्रिसिएशन है? हर साल सेम होता है डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो 24,000 का डेप्रिसिएशन है। ओके, अभी
हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना है। अब ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम डेट को करते हैं तो डेट सेम होगी। कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन? 24,000। ये एक साल की एंट्री हो गई है। हर एक एंट्री के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी है। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? ये एक साल की एंट्री हो गई है, हमें 3 साल की पास करनी है। नेक्स्ट ईयर 31/3/2014, ओके 31/3/2014। हर साल परचेज की एंट्री नहीं डालनी है। जो ईयर परचेज किया है, जो साल परचेज किया है, वही साल परचेज की एंट्री डालनी है। हर साल परचेज की एंट्री नहीं आएगी, पर हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसका डेप्रिसिएशन है? मशीन का, तो टू मशीन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होएगा। नरेशन लिखना है, उसके बाद इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। ओके, ये सेकेंड ईयर की एंट्री भी हमने कर ली है। 2014 की एंट्री भी हो गई है। मशीन परचेज किया था 2012 से लेके 2013, ओके, फिर 13 से लेके 14, ओके, और 14 टू 15, मतलब 3 साल की 15 तक की एंट्री हमें पास करनी है। वापस से 31/3/2015 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, सेम होगा डेप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद मशीन को बेच रहे हैं, 2015 में मशीन बेच रहे हैं। क्वेश्चन में ही लिखा है, आप लोग जाके देख लेना, 2015 को मशीन बेच रहे हैं। ओके, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? 31/3/15 मशीन जा रही है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट में। ओके, मशीन को बेच रहे मतलब क्या आने वाला है? पैसा आने वाला है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है, बैंक रिसीवर होगी, है ना। मशीन जा रही है तो बैंक रिसीव करेगी पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस में बेच रहे, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या जा रही है? व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो मशीन जा रही है, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, टू मशीन अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। हमने जो इसके पहले वर्किंग किया था, वहां पे देख लो सेलिंग प्राइस कितनी है। सेलिंग प्राइस है 1,82,400, मतलब बैंक इतना रिसीव करने वाली है। ओके, 1,82,400 सेलिंग प्राइस है। ओके, लॉस कितना हुआ है? 45,600। हमने जो वर्किंग किया था ना, इसके पहले जो वर्किंग किया था, उससे मेरे को ये अमाउंट मिल रहे हैं। लॉस हुआ इतना, बैंक रिसीव कर रही है इतना, लॉस हुआ इतना, मशीन की वैल्यू कितनी थी, दोनों को ऐड करो, 2,28,000। डन। अभी डेप्रिसिएशन पास कर लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद मशीन को सोल्ड कर दिए। अभी क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ओके, डेट सेम होगी, 31/3/15 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 24,000। हमने जर्नल एंट्री पास कर ली है, अभी हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। ओके,
ये मैंने लेजर प्रिपेयर कर लिया है मशीन अकाउंट का, ओके? अभी जो हमने जर्नल एंट्री पास की है वो जर्नल एंट्री देखना है। ये रही हमारी जर्नल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीन के डेबिट में जाके हमें ये लिखना है। यहाँ पे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीन के क्रेडिट में जाके ये लिखना है, ओके? हमें लेजर पोस्टिंग आती है, हमने की है, ओके? पार्ट 1 में तो उसी तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर नहीं आता है, अगर लेजर पोस्टिंग नहीं आती है तो मेरे को पूछना है। ये फॉर्मेट रेडी हो गया है, डेट देखो 1/4/12, मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मशीन के डेबिट में आके क्रेडिट की चीजें लिखनी है, मतलब कि टू बैंक अकाउंट टू कैश लिख दिए, टू कैश अकाउंट, ओके? बैंक का दिया है 2,75,000, मैंने यहाँ पे लिखा 2,75,000, कैश का है 25,000। सेकेंड एंट्री में डेप्रिसिएशन डेबिट है, मशीन क्रेडिट है तो मशीन के क्रेडिट में आना है, वो डेट लिखना है 31/3/13, ओके? मशीन के क्रेडिट में है, डेबिट क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन कितना है 24,000। थर्ड में मशीन है ही नहीं, इतना ही है, अभी हमें इसको टैली करना है कौन सा अमाउंट ज्यादा है। डेबिट साइड का ज्यादा है, यहाँ पे आएगा 3 लाख, यहाँ पे भी हमने ज्यादा अमाउंट दोनों साइड लिख दिया 3 लाख। अभी ज्यादा वाले अमाउंट से माइनस करेंगे कम वाला अमाउंट, कौन सा साइड डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा, क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन डेट एंडिंग डेट, मतलब 31/3/2013 लास्ट वाली डेट, ओके? माइनस करो 3 लाख में से कम वाले अमाउंट को माइनस करेंगे 2,76,000 आएगा, ओके? अब ये 2,70,000 कैरी डाउन है ना, ये अगले साल नेक्स्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा 31st, नहीं स्टार्टिंग, मतलब 1/4/2013 स्टार्टिंग, अप्रैल हमारा स्टार्टिंग होता है, 1/4/2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना ब्रॉड डाउन है, 2,76,000, यहाँ पे लिखा 2,76,000, ये हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर देखो, यहाँ पे मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मशीन के क्रेडिट में जाएंगे और डेबिट की चीजें लिखेंगे 31st, एक साल के बाद, ओके? 31/3/2014 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन कितना है 24,000, सेम होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। और 2014 में और कुछ भी नहीं है मशीन का, यहाँ पे 2014 खत्म हो रहा है, यहाँ पे मशीन नहीं है, मींस बस 2014 में एक ही एंट्री है, ज्यादा वाला जो अमाउंट है उसको दोनों साइड लिखेंगे, मतलब 2,76,000 को दोनों साइड लिखना है, 2,76,000 को दोनों साइड लिखना है, ओके? ज्यादा वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे कौन से डे पे, लास्ट 31/3/14 बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,76,000 माइनस 24,000 2,52,000, ये जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर, मतलब 1/4/14 के बाद क्या आता है 15, क्या हो जाएगा, बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना ब्रॉड डाउन है, जितना कैरी डाउन है उसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है 2,52,000 हो गया। अभी 2015 चेक करो, 14 यहाँ पे खत्म हो गया था, 2015 में मशीन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन डेबिट, तो मशीन के क्रेडिट में जाना है और डेप्रिसिएशन लिखना है 31/3/15, ओके? बाय डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट होगा 24,000, ये डेप्रिसिएशन वाला हो गया 2015 का। अभी मशीन को सोल्ड कर रहे है ना, मशीन सोल्ड कर रहे तो मशीन की और क्रेडिट हो रही है तो मशीन के क्रेडिट में जाएंगे, मशीन के क्रेडिट में जाएंगे और डेबिट की चीजें लिखेंगे 31/3/15, डेबिट क्या क्या हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखेंगे, बाय बैंक, बैंक का कितना अमाउंट है 1,82,400, 1,82,400
400, ओके, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो चीजें डेबिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना अमाउंट है देखो, 45,600। अभी आप लोगों को ये टैली करना है, दोनों साइड सेम अमाउंट आएगा, मींस कुछ भी कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं हो रहा है, तो दोनों साइड सेम आएगा, 2,52,000 यहाँ पे और यहाँ पे भी 2,52,000 आएगा, मतलब हमारा टैली हो गया, ओके। ये चैप्टर था आपका, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके।